मैंने तो सिर्फ दादी की बात की थी उससे। और वो पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गए। कहता है कि दादी से तुम्हारी कब जान छूटेगी। मेरे रब्बा, ये सारा ताऊ जी के बेजा प्यार का नतीजा है। अब जो नतीजा निकल रहा होगा ना बाजी के कमरे में, तीर की तरह सीधा हो जाएगा ये। बिल्लिया बाज आ जा, वरना मुझे घी टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। हाँ तो उससे भी कोई पूछे ना, हर बात में दादी को लेके आ जाती है बीच में। तू निकाल सकता है दादी को बीच में से? दादा जान, यार आपकी बात और है यार, वो लड़की है, मुझे समझना चाहिए। अरे तू लड़का है इसलिए तुझे हर चीज का परमट मिल गया है ना? ना कर मेरा पुत्र। तुझे कोई जरूरत नहीं उसकी कोई भी गलत बात बर्दाश्त करने की, हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी मामी। हैं? I mean, मम्मी, मैं मतलब सास भी तो माँ की जगह ही होती है ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। निशित के जो मैं कुर्बान, देखे तो सही कैसे ठूठी भर का मुंह निकाल लिया उसने। अब्बा जी ने भी ना मुंह सुजा दिया होगा उसका। याद रखना बिल्लिया, चौधरी दिलदार होशियारपुरी ने कभी अपने खानदान की बहुओं बेटियों से होशियारी नहीं करने दी किसी मर्द को। तो फिर अब क्या हुक्म है मेरे लायक? जा उसको किसी रेस्टोरेंट में लेके जा और उसको वो कैंडल लाइट डिनर करवा, खुश हो जाएगी। ये दोपहर के टाइम कौन सा कैंडल लाइट डिनर होता है जी? और यार रेस्टोरेंट में कौन सा, तेरे अब्बे के ट्रक की बत्तियां जल रही होती, नेरा ही होता है ना, दो तरह लाइटें जला के तो डिनर करा देना। दादी के साथ तैयार होगी तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़नी है बिल्लू चौधरी ने। बेचारी के रात को उसके पैर में टेक्निकल फॉल्ट हो गया। हाँ डॉक्टर सलमान को कहे ना कुछ एक महीने के लिए उनके पैर पे पक्का प्लास्टर कर दे, ना बचेगा पैर ना जाएगी हमारे साथ। तेरी जबान को ना प्लास्टर कराओ या दबाओ, पता नहीं क्या हो जाता। दादा जान जब कोई तीसरा हम दोनों के बीच में आता है ना, तन मन में आग सी लग जाती। हाय ये इश्क है ही बड़ी अवतरी चीज है। तो है